हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे अनोखा किचन में बन रहे अरुई के पत्ते का पकौड़ी, जिसे आलू बड़ी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर रेसिपी आप सबको मिलती रहे। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। चलिए देखिए, हम अच्छी तरह से साफ से पत्ते को धुल के ले लिए हैं। अब इसे पीछे से डंडी जो है मोटा साइज का काट कर निकाल देंगे। अगर आपका पत्ता छोटा साइज का हो तो इसका ज़रूरत नहीं है काटने के लिए। देखिए हम मसाला बना ले रहे हैं। 8-10 हरी मिर्च लिए हैं, 8-10 लहसुन लिए हैं कली, थोड़ा सा एक टुकड़ा अदरक का लिए हैं, एक मीडियम साइज का प्याज लिए हैं, इसे काट ले रहे हैं। इसका पेस्ट बनाएंगे। आप तीखा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। सब्जी मसाला लिए हैं 1/2 चम्मच, नॉर्मल चम्मच है, खाना खाने वाला चम्मच है, उसी से 1/2 चम्मच हम सब्जी मसाला लिए हैं। थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आम का अचार डाल रहे हैं हम। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकती हैं। देखिए हम आम का अचार डाल रहे हैं 1/2 चम्मच। थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए हमने बेसन ले लिए इसका बैटर बनाने के लिए। इसमें 3 चम्मच चावल का आटा डाल रहे हैं। चावल का आटा से क्रंच बहुत अच्छी आती है पकौड़ी का। थोड़ा सा अजवाइन डाल रहे हैं, थोड़ा सा जीरा डाल रहे हैं, थोड़ा सा हींग डाल दे रहे हैं इसमें, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। ये जो पेस्ट बनाकर रखे हैं इसे भी डाल दे रहे हैं। इसका घोल बनाएंगे, एकदम थिक बैटर रहेगा, एकदम गाढ़ा बैटर इसका घोल बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा एकदम पानी डाले हैं हम। देखिए उसी बाटी को हम पानी डालकर मसाला लगा था तो डाल लिए हैं। देखिए एकदम थिक बैटर बनाए इसका गाढ़ा एकदम। चलिए अब इसको पत्ते को हम लपेट ले रहे हैं बेसन लगा कर। देखिए सबसे बड़ा साइज का पत्ता लिए हैं हम। देखिए इसी तरह से बैटर चारों तरफ लगा देंगे। अब दूसरे पत्ते को भी लिए हैं, इसके ऊपर भी इसी तरह से बैटर को लगा देंगे। आप चाहे तो 3 पत्ते, 4 पत्ते, 5 पत्ते को लपेट सकती हैं, इससे ज़्यादा पत्ता न लगाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा लपेटने में। देखिए 4 पत्ता हम लगा दिए हैं। अभी पत्ता हमारा बड़ा बड़ा है। देखिए अभी इसको किनारे से ऐसा फोल्ड कर दे रहे हैं और उस पर भी बेसन लगा दिए हैं। बैटर घोल बना के जो रखे थे, जो नीचे का पत्ता है उसे भी मोड़ कर बैटर लगा के इसे अच्छी तरह से लपेट लेंगे। देखिए साइड से दबाते हुए इसे अच्छी तरह से लपेटेंगे। देखिए हमारा लपेट के हो गया, थोड़ा थोड़ा बैटर इधर किनारे साइड भी लगा लेंगे। देखिए अब हम इसे स्टीम करने के लिए रख दे रहे हैं, पानी गर्म होने के लिए पहले ही रखे थे हम। चलिए अब दूसरा भी इसी तरह से लपेट के दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए इसी तरह से बैटर लगा देंगे। सबसे बड़ा पत्ता पहले नीचे रखे हैं हम। बड़े बड़े पत्ता लाए थे, अब छोटा साइज का भी पत्ता ला के बना सकती हैं। देखिए इसी तरह से बैटर लगा देंगे हम। देखिए इसे भी उसी तरह से लपेटेंगे साइड से फूल करके। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बनता है आलू वड़ी का पकौड़ी ये। देखिए इसे भी बेसन दोनों तरफ लगा कर इसे भी स्टीम करने के लिए रख देंगे। देखिए हमारा 3 बना है। तब इसे 10 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख दे रहे हैं। चलिए चेक कर ले रहे हैं आप किसी भी फोक के सहारे। या देखिए बहुत आसानी से अंदर जा रहा है, तो समझिए कि हो गया है। देखिए इतनी आसानी से हमारा स्टीम हो गया है। अब इसे निकाल दे रहे हैं, ठंडा हो गया है। अब इसको काट ले रहे हैं हम, स्लाइस में पतला काटेंगे। देखिए ऐसे यूपी में तो दाल चावल के साथ खाते हैं, अगर चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, स्नैक की तरह चटपटा स्वादिष्ट बनता है। वैसे तो गुजराती लोग भी बहुत खाते, लेकिन वो लोग तिल गुड़ वगैरह डालते हैं, लेकिन एकदम हम लोग देसी स्टाइल में बनाते हैं। इसे तीखा चटपटा बहुत स्वादिष्ट बनता है, तो आप सब भी ज़रूर बनाइए, खाइए और कमेंट कीजिए कि हमारी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हमारे आलू वड़ी कट के हो गया है। अब कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिए, थोड़ा तेल कम लग रहा था तो और थोड़ा तेल डाल दे रहे हैं। चलिए तेल गर्म हो गया है,
इसे डाल देना है फ्राई होने के लिए। इसे तलना नहीं है, बस सेलो फ्राई करना है। इसे अच्छी तरह से इसे उलट पलट के सेलो फ्राई करेंगे। देखिए किस तरह से करंच हुआ है, लाल लाल दिख रहा है ना किनारे पे, बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगता है खाने में। आप सभी जरूर बनाइए। देखिए इसे उलट पलट के ऐसे ही मीडियम गैस पर इसे लाल होने तक तलेंगे। चलिए इसे निकाल लेते रहे, हो गया है हमारा। देखिए कितना स्वादिष्ट बना के फटाफट से बन के तैयार हो गया है। देखिए कितनी अच्छी लेयर आई है इसमें, पतला लपेटे हैं हम तो। आप चाहें तो मोटा या पतला लपेट सकती हैं, जैसा चाहे वैसा। देखिए बन के फटाफट से तैयार है। आप सभी ज़रूर बनाइए, खाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।